संदीप सिंह को किसने परमिशन दी सुशांत की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाने की, उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में करवाने की? ये सवाल उठाए हैं प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई की लड़ाई जो है वो अब बहुत ही मैसिव हो गई है। अब बॉलीवुड के कई पर्सनालिटीज भी इस मुहिम में खड़े हो गए हैं और सुशांत के लिए सीबीआई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अशोक पंडित ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस केस को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। अशोक पंडित का कहना है कि संदीप सिंह जो उस दिन सुशांत सिंह राजपूत के डेथ वाले दिन सब जगह था, कोई भी मीडिया चैनल्स देख लो, कोई भी वीडियोस देख लो, संदीप सिंह ही नजर आ रहे हैं। वो ही बॉडी को एम्बुलेंस तक पहुंचा रहे हैं, एम्बुलेंस के आगे भी वो बैठे हैं, कूपर हॉस्पिटल भी वो है, सुशांत के घर माउंट ब्लैंक पर भी वो है, सुशांत की बहन के साथ भी वो है, अंकिता को भी वही लेकर आ रहे हैं। ऐसे में अशोक पंडित ने पूछा है कि क्या संदीप सिंह सुशांत सिंह राजपूत का कोई रिलेटिव है? क्या सुशांत की फैमिली के कहने पर वो ये सब कर रहा था? अगर नहीं तो फिर संदीप सिंह से भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि सुशांत की बॉडी को कहां ले जाना है और किस हॉस्पिटल जाना है, इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ सुशांत की फैमिली को लेने का हक है। ऐसे में अशोक पंडित ने सवाल किया है कि संदीप सिंह को ये पावर किसने दी, किसके कहने पर संदीप सिंह ये सब कर रहे थे? जबकि सुशांत की एक फैमिली फ्रेंड का कहना है कि संदीप सिंह को तो सुशांत की बहनें और उनके पापा जानते ही नहीं है कि कौन है ये संदीप सिंह, फिर भी संदीप सिंह उस दिन हर जगह आगे आए रहे, उन्होंने इंटरव्यूज भी देना शुरू किया और बहुत कुछ इस मामले को वो ठंडा करने की कोशिश करते नजर आए। हालांकि अब जब संदीप सिंह की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं तो वो कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं, वो अब न्यूज चैनल्स पर इंटरव्यूज देते नजर नहीं आ रहे हैं। तो अशोक पंडित का कहना है कि संदीप सिंह से भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि डेड बॉडी ऐसे ही किसी को नहीं दी जाती है। परवीन बाबी के केस में जब परवीन बाबी की बॉडी 5 दिनों तक कूपर हॉस्पिटल की मॉर्चरी में पड़ी रही थी, तब अशोक पंडित को परवीन बाबी को क्लेम करने के लिए सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगे थे जिसके लिए उन्हें बहुत दौड़ भाग करनी पड़ी थी, तब जाकर परवीन बाबी की बॉडी को वो क्लेम कर पाए। ऐसे में संदीप सिंह कैसे ये काम इतना इजीली और स्विफ्टली कर रहे थे, ये सोचने वाली बात है। इसके अलावा अशोक पंडित ने सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ही मेंशन नहीं किया गया है, और फिर मुंबई पुलिस कह रही है कि हम अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं। वेल, मामला ऐसा हो गया है कि मुंबई पुलिस जितने दावे कर रही है उससे कई ज्यादा गलतियां लोगों ने इस इन्वेस्टिगेशन में निकाल दी है।